हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, मोशन, जो कि है फिजिक्स का है चैनल। और ये इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल, सॉरी चैप्टर, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 9। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। तो आज हम लोग सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, मोशन एंड रेस्ट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ेंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। मोशन, मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि फिजिक्स में रट्टा नहीं जाता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के उसमें न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी पहले इसकी वो लिखता हूँ डेफिनेशन। इफ एंड ऑब्जेक्ट चेंज इट्स, मेरी जो है इसकी वो राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन बाद में सही हो जाएगी। चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन अगर चेंज करेगा, तब उसे मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये अपनी चेंज कर रहा है, पहले यहाँ था, यहाँ आ गया। टाइम नहीं रुकेगा, टाइम तो जाएगा, टाइम तो वो बढ़ता रहेगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ऑब्जेक्ट लेंगे। टाइम तो नहीं वो है रुकने वाला, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ये अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ऐसे ऐसे कर करके, ये देखो। तो इसका मतलब है कि इसमें ये मोशन में, क्योंकि अपनी पोजीशन को है वो चेंज करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। बस यही है मोशन। अभी तक तो हमारे क्लास में बस इतना ही पढ़ाया है कि मोशन क्या होता है, जो अब मैंने अभी बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, अच्छा बताओ, अभी तुम रेस्ट में हो या फिर मोशन में? अभी बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो बताओ तुम अभी रेस्ट में हो कि मोशन में हो? तुम लोग बोलेंगे हाँ मैं रेस्ट में हूँ, मैं अभी बैठा हूँ। बट तुम किस पे बैठे हो? अर्थ पे बैठे हो। अर्थ अर्थ अपने सन का रोटेशन कर रहा है। तो तुम बताओ अभी रेस्ट में हो कि हो मोशन में? और जो अपना सन है वो गैलेक्सी के सेंटर है, वो होता है ना गैलेक्सी के सेंटर में, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसके ऑर्बिट कर रहा है हम लोग को लेके। तो बताओ तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो? तो इसका मतलब है, इसका आंसर आई ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही रेस्ट में है ना ही मोशन में है, बस कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक तो मैंने सिर्फ रियलिटी बताया, और अपना जो बुक में है अपने 9th क्लास में, तो बस ये है, बस इसको पढ़ना है। मैंने बस रियलिटी बताई कि रियलिटी क्या है आखिर। रेस्ट तो सबका ही मालूम, पोजिशन को ये अपनी नहीं, वो नहीं कर रहा चेंज। 1 सेकंड बाद भी यहीं पे, 2 सेकंड बाद भी यहीं पे, 3 सेकंड बाद भी यहीं पे। अभी ये हो गया। देखो मोशन जो है, क्लास 8 से तो हम लोग कुछ उतना नहीं वो है वो रहता, लेकिन क्लास 9 से फिजिक्स और बायो और उसके बाद केमिस्ट्री, ये तो ये सब अलग पार्ट्स में हो जाते हैं और थोड़े हाई लेवल पे हो जाते हैं, और अपने मैथ्स भी बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। तो इसके लिए समझना थोड़ा है मुश्किल है, मुझे वो है पता है। तो क्लास 9 में हम लोग बस फिजिक्स पे ध्यान देना, क्योंकि फिजिक्स जो है ना अचानक से आती है और अचानक से बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसके लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं उससे पहले भी और कुछ पढ़ेंगे।
तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मोशंस के जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम लोग कुछ उस वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोशन के कुछ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ मोशन। सो अपना फर्स्ट है फैक्टर, वो है पोजीशन। पोजीशन इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, कुछ नहीं एक्स से। फिर आता है अपना डिस्प्लेसमेंट, नहीं सॉरी डिस्टेंस, इसको हम लोग वो करते हैं डी से। नहीं तो कोई कोई लोग ऐसे भी है कर देते हैं, तो उतना कोई कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी करो है करते हैं, तो वो कंफ्यूज मत होना। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इसको हम लोग करते हैं स्मॉल एस से। फिर आता है अपना स्पीड, कहीं के लोग स्पीड को वी से भी है कर देते हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। हम लोग यहाँ पे बिग एस से करेंगे, हाँ मतलब कर सकते हैं, ऐसा है नहीं जो जरूरी, हम लोग कर सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी को तो हम जानते हैं वी से है करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को स्मॉल एस। ये रहे हमारे कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे कुछ है फैक्टर्स। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, और यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है ना, इनिशियल को हम लोग करते हैं यू से, फाइनल को करते हैं वी से, बराबर। और यहाँ पे इनिशियल को हम लोग आई से भी है वो कर सकते हैं, और फाइनल को हम लोग वी से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या वो दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो हम लोग पहले डिस्टेंस, ये हल्का कुछ चल रहा है यार, डिस्टेंस डिस्प्लेस, थोड़ा यहाँ पे वो लिख लेते हैं, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट स्पेलिंग हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअल पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम टाइम एक्चुअल पाथ का इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखो शॉर्टेस्ट, यार क्या हो स्पेलिंग में, मेरे को वही नहीं याद रहती स्पेलिंग, शॉर्टेस्ट चलो लिख देते, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम, सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट वे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कवर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वे। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, होम स्कूल, सुबह शाम सब रोज हो जाते स्कूल। अच्छा है बात बताओ, क्या तुम लोग स्कूल सीधे जाते हो, नहीं ना,
ये गली से पहले ऐसे ऐसे है ना, बिल्डिंग के तो बाहर से जाओगे नहीं, तो कभी ऐसे 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 तुम्हारी मर्जी दो गली घूम के गए, क्या पता तुम्हारी मर्जी दो दो गली घूम के कैसे भी गए, तुम्हारी मर्जी है ना, ऐसे जाओ फ्रेंड के घर से जाओ कैसे भी जाओ तुम्हारी मर्जी। तो वो क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा सी सी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट ये है ना स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होती है, वो ऐसे ऐसे नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है हमेशा। ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी ऐसी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है, चाहे ऐसे जाओ घूम के जाओ तुम स्कूल कैसे भी दो गली पार ऐसे जाओ या फिर सीधे जाओ, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट ही होगी। अब बताओ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम जाओगे यहाँ पे पूरा मान लो तालाब है पूरा यहाँ पे, ठीक है, तुम बोलोगे मैं यहाँ से गया ऐसे यहाँ पे आ गया, मेरे को जाना कहाँ था यहाँ पे ऐसे गया चल के गया यहाँ पे आ गया। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ना, तो तुम बोलोगे ये पॉइंट, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब वही अगर मैं एक्स स्क्वायर में पूछूं मुझे यहाँ जाना है, तो तुम के जाओ कैसे, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ कैसे भी जाओ ऐसे और विस, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होगी स्ट्रेट लाइन, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाना है, और कोई यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है कुछ नहीं, बस स्ट्रेट लाइन में और इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक बस यही है। समझ में आ गया ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग इसको वो रफ कर देते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाह असी बेकार है हम लोग, चल रहा है क्या, रेफरेंस नहीं दिखेगा, तो अभी हम लोग बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट भाई निकलना है ना सर, चुप भाई दिमाग बा कुछ, तो अभी हम लोग बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। अगर डिलीवरी बॉय तुमने कुछ मान लो एक फोन ऑर्डर किया, ठीक है, डिलीवरी बॉय को तुम बोलोगे हाँ मैं मंदिर के दो गली पीछे वाली वो पीपल का पेड़ है उसके सामने मेरा घर है, वो पटेल जी का बोर्ड है उसके सामने मेरा घर है एंड ऐसे एक्सेट्रा, तो हम लोग क्या बोले, ये मंदिर ये पेड़ पीपल का पेड़ उसके बाद ये पटेल जी का बोर्ड, ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एनी ऑब्जेक्ट नीड टू रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैं बोर्ड के अभी मैं लेफ्ट साइड में वो खड़ा हूं, मैं अभी बोर्ड के वो राइट साइड में खड़ा हूं, तो ये बोर्ड पीपल का पेड़ ये सब क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, बस यही है। और हमारे अभी उसमें उतना डिटेल से नहीं है, और अभी है वो बताया गया है कि क्या होता है, अभी हम लोग क्लास 11-12 में आएंगे तो हमें ये अगर हम लोग साइंस लेंगे तो हमें क्लास 11-12 में ये पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ वो रेफरेंस, ये होता है एक देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने का वो नजरिया। मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी मैं वो बताता हूँ, तो चलो अब थोड़ा वही वही पहले जब बात हुई है, मान लो एक स्पेसशिप है, ये क्या बन गया स्पेसशिप कैसे बनाऊं,
चलो ये रहा एक स्पेसिफिक, बाप रे ये है एक स्पेसिफिक है, तुम यहां पे हो और तुम्हारा भाई यहाँ पे, ये रहा ये अर्थ पे है और तुम मान लो मून पे हो, नहीं, तुम स्पेस में हो, तुम यहां से जा रहे हो। इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, ठीक है। एक बात बताओ, तुम बोलोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है देखने का नजरिया क्या है तुम्हारा। अभी मैं बोलूं कि मैं इधर हूं, ठीक है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्पेसशिप के अंदर का, मैं स्पेसशिप में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, हाँ यार यहां से अर्थ है, यहां से मून है, यहां से ये सब है, तो ये सब क्या मैं देख रहा हूं, मैं मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है अपना स्पेसशिप। और वही अगर मैं श्याम की बात करूं जो कि अर्थ पे है, तो अर्थ तू ऐसे देखेगा कि हाँ भाई यहां से जा रहा है वो स्पेसशिप, राम का ऐसे जा रहा है स्पेसशिप, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम वो अपना अर्थ है ना, हम अर्थ से वो देख रहे हैं ना, हमारे देखने का नजरिया क्या है, अर्थ है। और यहाँ पर ये जो श्याम है वो तो स्पेसशिप है, यहां से देख रहा है, हाँ यहां से मून ये सब जा रहे हैं।